हेलो दोस्तों, हम सभी इंडियन कंज्यूमर जितने भी जो भी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, हमारा जो मेन बजट रेंज होता है वो 10,000 रुपये से लेके 15,000 के बीच में होता है। यानी कि हम चाहते हैं कि 10,000 रुपये से लेके 15,000 के बीच में कोई अच्छा सा स्मार्टफोन मिल जाए जो हमारे मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, हमारे नीड्स होते हैं, उसको पूरा करें। यहाँ पर अभी तक Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro यही दो स्मार्टफोन थे जो हम इंडियन कंज्यूमर का ख्याल रख रहे थे 10 से 15,000 रुपये के बजट में। लेकिन यहाँ पर एक नया स्मार्टफोन जुड़ गया, यानी Vivo Z1 Pro, वो भी 14,999 में लॉन्च हुआ है, जो कि काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं तीनों स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा और इसमें से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन आपके नीड्स के मुताबिक आपके जो जरूरत है उसको पूरा करता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट यहां पर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहां पर परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी सभी के बीच में कंपेरिजन करने वाला हूं कि किसमें क्या मिल रहा है, किसमें क्या नहीं मिल रहा है। तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं और अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देख सके। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही स्मार्टफोन जो बेस वेरियंट है उनका 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ में लॉन्च हुए हैं। जिसका अगर Vivo Z1 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे 4GB RAM 64GB स्टोरेज आपको 14,999 में परचेस करना पड़ेगा, जबकि Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro दोनों का ही एक ही प्राइस है। आपको दोनों ही 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ में आता है और दोनों में ही आप 13,999 में परचेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे Realme 3 Pro में और Vivo Z1 Pro में एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि आप microSD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जबकि ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है। लेकिन यहाँ पे Redmi Note 7 Pro भी microSD कार्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करूँ तो Realme 3 Pro और Vivo Z1 Pro में थोड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है स्टोरेज के हिसाब से, जबकि Redmi Note 7 Pro में थोड़ा सा कम आता है क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट है। दोस्तों, उसके बाद बात कर लेते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे Realme 3 Pro और Vivo Z1 Pro दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा, प्लास्टिक बैक मिलेगा, जिसमें ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगा, यानी कि लुक अच्छा आएगा लेकिन क्वालिटी है वो थोड़ा चीप हो जाता है। वहीं बात करें Redmi Note 7 Pro की तो यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलता है, आपको यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ में आपको Vivo Z1 Pro में रियर साइड में आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तीनों में ही आपको फिंगरप्रिंट रियर साइड में देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है Vivo Z1 Pro में, और दोनों ही Realme 3 Pro और आपको Redmi Note 7 Pro में डुअल कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे Vivo Z1 Pro में स्नैपड्रैगन का 712 मिलता है, जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया है, और Redmi Note 7 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 675 मिलता है, Realme 3 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 710 मिलता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है कि हाँ एक आसमान है प्रोसेसर और दूसरा ज़मीन है, कुल मिला के थोड़ा का 19-20 तीनों ही प्रोसेसर पड़ता है, तीनों ही अपने हिसाब से एक अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, चाहे आप गेम खेलते हो, चाहे आप जो भी उसमें मल्टीटास्किंग करते हो। लेकिन यहाँ पे Vivo Z1 Pro में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि दोस्तों Vivo Z1 Pro ने एक इंटरनेशनल पबजी प्ले हुआ था, उसमें स्पॉन्सरशिप भी किया था, और इसमें पबजी प्ले करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जाता है, स्पेशली गेमिंग मोड, अल्ट्रा गेमिंग मोड जो मिलता है इसमें, आप पबजी जब प्ले करेंगे तो काफ़ी स्मूथ चलेगा, और बहुत सारे अलग से फीचर देखने को मिलेगा जो कि आपको Redmi Note 7 Pro में, Realme 3 Pro में नहीं मिलेगा। जैसे आप Vivo Z1 Pro में अगर पबजी प्ले करते हो तो यहाँ पे आपको 3D आपको सराउंडिंग साउंड मिलेगा, 4D वाइब्रेशन टच मिलेगा। उसके बाद दोस्तों पबजी में ही आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा जिसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहीं पे Redmi Note 7 Pro में और Realme 3 Pro में आप दोनों में ही पबजी और गेम सारे तो ठीक ठाक खेल सकते हैं, लेकिन ये अलग से स्पेशल फीचर नहीं मिलता है। यहाँ पे Vivo Z1 Pro में कूलिंग फीचर भी मिल जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे Vivo Z1 Pro कहीं ना कहीं थोड़ा आगे चलाता है। अगर बात कर लेते हैं बैटरी के बारे में तो Vivo Z1 Pro में 5000 mAh के बैटरी मिलता है, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, और लकीली आपको Vivo Z1 Pro के बॉक्स में ही 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। लेकिन Redmi Note 7 Pro में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, यहाँ पे आपको क्विक चार्ज वर्जन 4 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन आपको इन द बॉक्स क्विक चार्ज वर्जन 4 क्या क्विक चार्ज वर्जन 3.0 का भी चार्जर नहीं मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे USB Type-C देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर Realme 3 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको USB Type-C नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 4045 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन लकीली यहाँ पे अलग से उनका स्पेशल वोक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे तीनों में कहीं ना कहीं कुछ स्पेशलिटी है, जैसे Realme 3 Pro में आपको वोक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, या आपको Redmi Note 7 Pro में क्विक चार्जर 4 का सपोर्ट मिल जाता है, और आपको Vivo Z1 Pro में 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस वाइज बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक नंबर में मैं आपको Vivo Z1 Pro को रखूँगा, क्योंकि मैसिव बैटरी 5000 mAh की बैटरी है, आपको 18W का फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स मिलता है,
सेकेंड नंबर पे रियलमी 3 प्रो का रखूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको वूक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और ये भी इन द बॉक्स मिलता है। थर्ड नंबर पे रेडमी नोट्स मैंने प्रो को देख रखूंगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूएसबी टाइप सी तो है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे इन द बॉक्स चार्जिंग जो मिलता है, चार्जर मिलता है, वो आपको कोई क्विक चार्ज वर्जन 4 का सपोर्ट के साथ में नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अब डिस्प्ले के बारे में। जैसा तो वीवो Z1 Pro में आपको 6.53 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है, पंच होल कैमरा मिलेगा। जी दोस्तों, इसमें आपको पंच होल कैमरा मिलेगा। डिस्प्ले का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि लुक जो आता है वो थोड़ा ठीक ठाक आता है। IPS डिस्प्ले है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन दिया गया है वो मेंशन नहीं है, तो हम ये मान चलते हैं और चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीन प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर रेडमी नोट्स मैन प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है। IPS डिस्प्ले ये भी है, लेकिन इसमें आपको लकीली एक प्लस पॉइंट ये है, गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर Realme 3 Pro की बात करूं तो यहां पे Realme 3 Pro में भी 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है और यहां पे भी आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो नॉच है, आपको डियो ड्रॉप नॉच और डॉट नॉच, आपको Redmi Note 7 Pro में डॉट नॉच मिलता है, Realme 3 Pro में आपको डियो ड्रॉप नॉच मिलता है, जबकि आपको Vivo Z1 Pro में आपको इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है, यानी पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। तो अगर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूं तो डिस्प्ले कहीं ना कहीं ज्यादा लुक अट्रैक्टिव आपका Vivo Z1 Pro का आएगा, जबकि यहां पे आपको नॉच वाला कैमरा देखने को मिलता है इन दोनों स्मार्टफोन में। दोस्तों अब कर लेते हैं कैमरे की बात। यहाँ पे Vivo Z1 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, आपको 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जिसका एपर्चर f/1.78 दिया गया है। सेकेंडरी आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि 120 डिग्री का वाइड एंगल कैमरा है, जो आप ग्रुप पिक्चर लेना चाहते हैं तो काफ़ी इजीली ले सकते हैं। जो थर्ड कैमरा आपको मिलेगा 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, आप बुके मोड ले सकते हैं। अगर सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पे इन डिस्प्ले जो कैमरा मिलता है, पंच होल कैमरा जो मिलता है, वो है 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर Redmi Note 7 Pro की बात करूँ तो यहाँ पे डुअल लेयर कैमरा देखने को मिलता है, 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है जो IMX586 के आता है, साथ में आता है सोनी का फ्लैगशिप सेंसर है। उसके बाद दोस्तों 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि बोके मोड या डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। सामने में सेल्फी के लिए आपको 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें Realme 3 Pro के बारे में तो यहाँ भी आपको डुअल लेयर कैमरा मिलता है, पहला 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसके बाद 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। यहाँ पे सेल्फी के लिए आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जो आपको डियो ड्रॉप नॉच है उसमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करो एलईडी नोटिफिकेशन की तो यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में एलईडी नोटिफिकेशन मिलता है, जबकि Vivo Z1 Pro में एलईडी नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर बात करूं, आपको कैमरा बेटर चाहिए रियर साइड में, रियर कैमरा बेटर चाहिए तो Redmi Note 7 Pro की तरफ जा सकते हैं, अगर सेल्फी बढ़िया चाहिए तो आप Vivo Z1 Pro या Realme 3 Pro की तरफ जा सकते हैं। दोनों का ही कैमरा लगभग इसे बराबर काम करता है, थोड़ा सा का फर्क है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, भले मेगापिक्सल ज़्यादा है लेकिन सेंसर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, तो सेंसर यहाँ और ऑप्टिमाइजेशन का भी खेल होता है। दोस्तों उसके बाद बात कर लेते हैं एंड्रॉइड वर्जन की, तो तीनों में ही आपको एंड्रॉइड 9.0 पाए मिलता है, लेकिन Vivo Z1 Pro में आपको फंटेच OS मिल जाता है। यहाँ पे आपको Redmi Note 7 Pro में MIUI 10 मिलता है, जबकि Realme 3 Pro में ColorOS 6.0 मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में सारे डिफरेंस बताए, सारे चीज़ बताएं कि इसमें क्या मिलता है नहीं मिलता है। अब ये डिपेंड करता है आपके नीड्स के ऊपर कि आपको कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करना चाहेंगे, आपको कैमरा अच्छा चाहिए या परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। अगर बात करूँ तीनों में ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ओवरऑल सारे चीज़ को लेकर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे Vivo Z1 Pro को कहीं ना कहीं इन दोनों स्मार्टफोन से बेटर मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे Vivo Z1 Pro में PUBG, अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो PUBG काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हैं। PUBG के लिए डेडिकेटेड आपको अल्ट्रा गेमिंग मोड दिया जाता है, यहाँ पे एक डेडिकेटेड आपको एक की स्मार्ट की दिया गया है जिसके प्रेस करते ही आप गूगल असिस्टेंट पे वर्क कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और जो वर्क होता है गूगल असिस्टेंट से आप उसके अपने उसके हेल्प से अपना काम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो कि ये सारे फीचर इन दोनों स्मार्टफोन में नहीं है। नहीं आपको Realme 3 Pro में आपको एक्स्ट्रा फीचर दिया जाता है, नहीं आपको Redmi Note 7 Pro में मिला जाता है। हालांकि Realme 3 Pro में गेमिंग मोड दिया गया लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं करता जितना अच्छा Vivo Z1 Pro में करता है। और अगर आपका प्रायोरिटी कैमरा है, यानी कैमरा ज़्यादा बेटर चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली सेल्फी के भी अगर ज़्यादा लेते हो सेल्फी के लिए आप Vivo Z1 Pro देख सकते हैं, जबकि आप यहाँ पे Realme 3 Pro को भी चेकआउट कर सकते हैं। दोनों का ही कैमरा में भले ही आप 32 मेगापिक्सल का है, यहाँ पे 25 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। सेंसर के ऊपर भी जैसे मैंने बोला वो डिपेंड करता है। अगर आपको रियर कैमरा बेटर चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का रियर कैमरा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि Sony IMX586 का आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने सेंसर देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के इस वीडियो में बस इतना ही था, और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा
कि आपका नीड क्या है, आप क्या परचेस करना चाहते हैं, और आपको इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में जो भी डिफरेंसेस मैंने बताया है, जो भी एस्पेक्ट्स या बताया है, क्लियरली आपको समझ में अलग अलग से आ गया होगा कि कौन से में फोन में कौन सा मिलता है, आपका क्या नीड है, आपको किधर जाना चाहिए, क्या परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाले वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय।